प्रार्थना पत्र में आरोपी का नाम था लेकिन एफआईआर में गायब निकला नाम। झांसी के लहचूरा थाना हमेशा सुर्खियों में बना हुआ है, चाहे वह अवैध खनन को लेकर हो या फिर शिकायत में गोलमाल को लेकर हो, लेकिन कुछ ऐसा ही देखने को आज फिर मिला है जब एक पीड़ित परिवार मऊरानीपुर तहसील समाधान दिवस में पहुंचा, जहां उसने पुलिस के ऊपर प्रार्थना पत्र बदलकर आरोपी का नाम गायब करने के साथ कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं और उच्च अधिकारियों से कार्रवाई किए जाने की मांग की। ताजा मामला लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़वा निवासी राजेश पत्नी पुरुषोत्तम बेड़िया ने बताया कि विगत दिवस जब वह अपने घर में सो रही थी तभी कुछ लोगों ने एक राय होकर उसके घर में घुस आए और बेवजह उसके और उसकी बेटी और परिजनों के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत लहचूरा पुलिस से की है, लेकिन पुलिस द्वारा प्रार्थना पत्र बदलकर आरोपियों में एक का नाम काट दिया गया और आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्हें बराबर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से करते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अमित राजपूत की रिपोर्ट। हम चार पांच लड़की बाहर बैठे थे अंदर, इसके बाद प्रियंका, दीपा, रेशमा, प्रिंसू और राज ये सब आके गाली देने लगे तो हम लोग अनसुनी कर दिया। उसके बाद प्रियंका बोल रही इधर आओ, क्या तो तुम लोग हमको मार डालो या हमारे यहाँ से तुम मार जाओ। इसके बाद हम लोग अंदर चले गए, गेट से खड़े हुए हैं। उसके बाद रेशमा और प्रिंसू दोनों भाई बहन आए, हम लोगों के पाल पकड़ के सीसी पर खींच के ले गए। फिर उसके बाद सीता का पति आ गया महेंद्र, उसने लठ मारा हम लोगों के लिए। हमारे भाई लोग कोई थे नहीं, उसके बाद हम लोगों ने 6 नंबर फोन किया, वो आए तो पुलिस से शिकायत की, उन्होंने नहीं पकड़ पाया, वो भाग गए। उन्होंने बोला थाने जा, हम लोग थाने गए, सबके नाम लिखवाए, उन लोगों ने महेंद्र का नाम काट दिया, बोला है कल या परसों आएंगे, नहीं आए। डॉक्टरी करवाई वो भी हम लोग को नहीं दी। जब हम लोगों ने वकील से बोला, वकील के बोलने पे उनने हमारी जो एफआईआर से थाने गए थे लहचूरा, वहाँ क्या हुआ, सुनवाई हुई आपकी? नहीं हुई, उन्हें लिख दिया, हमने बोला बस अब आ जाएंगे एक बार। पंद्रह दिन आपने एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन में मुकदमा दर्ज हुआ कि दूसरी एप्लीकेशन रुक गई? नहीं, जिस दिन हम लोग गए उसी दिन लिखवाई। अच्छा, जिस व्यक्ति का नाम लिखवाया था उसका लिखा है कि कट गया है? बाकी का लिखा रहा, अपनी मेहनत काटा गया, उसका नाम काट दिया गया। आपने कटवाया था क्या? नहीं, हमने नहीं कटवाया। उन्हीं ने काटा? उन्हीं ने काटा। किसने? आने वालों ने। अभी यहाँ क्या मांग करने आए? अभी आए हैं हम लोग यहाँ पे लुकवाने के लिए। एसएमबी में आई है, क्या मामला है? मारपीट का। कब की घटना है? 17 तारीख। क्या घटना हुई थी? मारपीट, हम अपने घर में सो रही थी, हमारी बच्ची बाहर थी दूसरी पड़ोस के घर में, और जो 4-5 लोग आए, महाराज और राज, प्रिंसू, प्रियंका, दीपू, इन लोगों ने हमारी बच्ची को मारपीट की। जब बात को लेकर विवाद हमको नहीं मालूम किस बात में, वो तो लड़ने के लिए कहती है आओ यहाँ मारो, बस हम लोग कुछ कहते नहीं है, गाली गलौज देती हैं और हम लोग कुछ कहेंगे तो जबरदस्ती मारती हैं। घर में घुस के मारपीट की? हाँ, घर में घुस के मारपीट की। पुलिस से शिकायत की थी? पुलिस से शिकायत थी, दो बार करके कुछ नहीं कहती, हो जाएगा तुम्हारा। क्या एफआईआर दर्ज नहीं हुई है? अभी हुई, 2 दिन में दी थी। एफआईआर से संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, अभी नहीं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों संतुष्ट नहीं हो? हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए?